हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह का हुआ शुभारंभ। विधायक और डीएम ने कहा मिलकर लड़ेंगे इंसेफ्लाइटिस से जंग। लोगों को बीमारी के प्रति किया गया जागरूक, निकाली गई जागरूकता रैली। गायब हुए 15 मोबाइलों को क्राइम ब्रांच ने खोजा, मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। डीएम और एसएसपी ने किया मंडली कारागार का औचक निरीक्षण, नहीं मिले कोई भी आपत्तिजनक सामग्री। अंतर जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आईजी जोन ने किया उद्घाटन, कहा घटना के खुलासे में फोटोग्राफी की होती है महती भूमिका। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संचारी रोग नियंत्रण महा दस्तक दो के समन्वयक समिति की बैठक। दस्तक दो के शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने हेतु दिए निर्देश। चौरी चौरा कांड के 95 शहीद दिवस पर डीएम एसएसपी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, कहा शहीद स्मारक और संग्रहालय को बनाया जाएगा बेहतर। मंडलायुक्त द्वारा कराए गए जांच में 22 कर्मचारियों में से 13 कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। कर्मचारियों का वेतन बाधित करने के साथ स्पष्टीकरण तलब कर कार्रवाई का दिया निर्देश। गोरखपुर बस्ती मंडल के इंसेफ्लाइटिस रोगियों की सुविधा के लिए जारी होगा स्टॉप जेईएस ऐप। मुफ्ती ने दी हज यात्रियों को मक्का मदीना के नियम कानून रहन सहन की जानकारी। संपूर्ण समाधान दिवस का रोस्टर जिलाधिकारी ने किया जारी, डीएम के अनुपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे सीडीओ। प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने संभाला दिग्विजय नाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य का पदभार, कहा पठन पाठन और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना होगी पहली प्राथमिकता। और प्रेरक संघ का अनिश्चितकालीन धरना 15वें दिन भी रहा जारी, बारिश में भीग कर प्रेरकों ने किया प्रदर्शन।